तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता दिल्ली के ईडी दफ्तर पहुंच गई है। कुछ ही देर में उनसे दिल्ली शराब नीति केस में पूछताछ शुरू होगी। केसीआर को आशंका है कि ईडी कविता को गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे केटीआर और टी हरीश राव को दिल्ली भेजा है। कविता ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जहां चुनाव होता है वहां मोदी से पहले प्रवर्तन निदेशालय पहुंच जाती है। कविता ने कहा कि मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगे। इससे पहले 12 दिसंबर 2022 को कविता से सीबीआई हैदराबाद में करीब 7 घंटे पूछताछ कर चुकी है।